प्रताप सिंह खाचरियावास जिनके बयान आप सुन रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंत्री राजस्थान के प्रताप सिंह खाचरियावास। बड़ा सवाल और सबसे गहरा सवाल, अशोक गहलोत तो दम भरते रहे कि जो आलाकमान फैसला करेगा वो कर लेंगे, लेकिन ये आलाकमान ने तो यहाँ पर्यवेक्षक भेजे और ये बैठक की बात कही, बैठक तक नहीं हो पाई, इस्तीफे कहाँ हो गए? देखिए एक बात आप मानकर चलिए, ये जो सारा मामला है ये कुल सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी तमाम हमारे नेता हैं, और जिस दिन भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के विरुद्ध आवाज देंगे वो लड़ने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ, हम अपनी जान दे देंगे, खून पसीना बहा देंगे। सोनिया जी, राहुल जी हमारे नेता हैं, ये कोई चैलेंज नहीं है उनको, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। मैं खुद तनोट माता जी के दर्शन करने के लिए अशोक गहलोत जी के साथ गया हुआ था, डोटासरा जी हम तीनों थे, पहले से तनोट माता जी के जाने का तय था क्योंकि आज नवरात्रा है। तनोट माता जी वो, जहां खुद जानते हो, जब पाकिस्तान ने बम गिराए तो 450 बम एक भी नहीं छूटा, माता जी की अपनी पावर है। आप मुझे ये बताइए, यहाँ विधायक दल की मीटिंग तय थी, कोई आलाकमान के खिलाफ की मीटिंग नहीं है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के लिए हर विधायक दिल्ली जाता है, ईडी इनकम टैक्स के विरुद्ध लड़ाई हो, चाहे महंगाई के विरुद्ध, चाहे आधार कार्ड। प्रताप सिंह जी एक बात बताइए ना, अशोक गहलोत आपके नेता हैं, आपके नेता हैं या नहीं है सर? बिल्कुल नेता, ठीक है। अब आप अगर आपके नेता हैं और आप विधायकों में इतनी नाराजगी थी, इस्तीफे तक की नौबत कैसे आ गई सर? उनके तो अच्छे आलाकमान से जाके बात कर सकते थे, अपनी बात कह सकते थे, क्या वो बात कही नहीं या मानी नहीं गई तब आज इस्तीफे तक की नौबत आई है क्या सर? अब आपने कह दिया, अब मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से लगातार एमएलए की बात होती रहती है। जब ये बात आई तो मुख्यमंत्री ने, जब आपको याद है राजस्थान में बीजेपी ने षड्यंत्र किया, पूरे देश में बीजेपी सरकारें गिराने में लगी हुई है, तब अशोक गहलोत जी की जब मीटिंग हुई थी विधायकों के साथ, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, इस लड़ाई में बीजेपी को जवाब देना है। रात आप बताइए, 1.5 महीने तक लोग होटलों में रहे, बीजेपी का, मैं आज फिर कह रहा हूँ, आज तक चैनल पे कह रहा हूँ, बीजेपी का अभी फिर षड्यंत्र शुरू हो गया। बीजेपी के नेता राजस्थान की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा था वो हुआ और अभी भी मैं कह रहा हूँ सर। दो चीजें समझ में आई है आपकी बात से, दो चीज समझ आएगी। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अभी भी षड्यंत्र रच रही है, मैं मान गई। आप दूसरी बात कह रहे हैं कि गहलोत के साथ ये जो विधायक हैं संपर्क में थे, तो कल जो पूरी कहानी की पटकथा है वो गहलोत की कलम से लिखी गई क्या? बिल्कुल नहीं लिखी गई। गहलोत साहब की बात तक आप मुझे ये बताइए, गहलोत साहब के साथ तो मैं खाने सुबह से, गहलोत साहब ने मीटिंग रखी अपने घर पर, और जब हम वापस आए तब तक 70 विधायक धारीवाल जी के घर पर जुट गए थे। गहलोत साहब ने बुलाया ना कल विधायकों को, तो विधायकों नहीं पहुंचे ना मुख्यमंत्री निवास में, उन्होंने कहा कि विधायक, अब मैं और डोटासरा जी हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट वापस गए वहां बातचीत करके, माकन साहब और खड़गे साहब से मैं मिलने गया हूँ, तनोट माता जी 7 बजे मीटिंग थी और 6 बजे मैं पहुंच गया था, दोनों से मेरी मीटिंग थी। और अच्छी बात थी तो मैं धारीवाल जी को लेने गया, वहाँ विधायकों ने धारीवाल जी को भी नहीं आने दिया। प्रताप सिंह खाचरियावास जी एक बात बताइए ना, गहलोत को तो चाणक्य कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है, वो पहले स्थितियां भाप जाते हैं, जब वो ये भाप जाते हैं कि बीजेपी किस तरीके से अटैक करने वाली है, विधायकों को लेने वाली है और सरकार बचा लेते हैं, वहां वो बगावत के सुर यानी इस्तीफे के सुर को समझ नहीं पाए सर, ये कैसे मुमकिन है? वो कैसे नहीं बता पाए आलाकमान को कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैम एक बात आप मानकर चलिए, मैं कब मना कर रहा हूँ, एक अशोक गहलोत को बनने में 50 वर्ष लगते हैं, पार्टी में अशोक गहलोत जैसे नेता 50 वर्ष में बनते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी उनका सम्मान रखें, लेकिन गहलोत साहब के और विधायकों के अच्छे रिश्ते हैं, क्या गहलोत साहब उनको आदेश दे, जब वो गहलोत साहब के एक आदेश पर, राहुल गांधी सोनिया गांधी के आदेश पर अपनी जान देने को तैयार है, तो क्या गहलोत साहब की, राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की जिम्मेदारी, अपनी बात तो कह ही सकते हैं, हमारे परिवार का मामला है। यदि सर बात कहना अलग है, यहाँ तो इस्तीफे हो गए ना सर, टेबल पे बुलाया गया था, बैठक की गई थी कि आइए बैठक करें, बैठक में नहीं गए, इस्तीफे पे इस्तीफा दे दिया सर, बात कहाँ हो रही है? आप मुझे ये बताइए, जब एक बार पार्टी के सारे विधायक यूनाइट होकर और सीपी जोशी जी के यहाँ गए, हमारी पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो खुद कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, और वहां जाकर हम वापस गए उनको लेने के लिए, आज मैं वापस अभी खड़गे साहब, माकन साहब से मैं भी मिलूंगा, और ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे परिवार के लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका सम्मान है, राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, बड़ा समर्थन मिल रहा है, जरूरत होगी, ठीक है, एक आह्वान, ये तो मुझे अच्छा लगा कि वो सबको आह्वान नहीं करे, नहीं तो लोग तो वहां जाके उनके साथ पैदल चलने को चला। ठीक है प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।